हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी मॉडर्न हिस्ट्री, आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फोर। इससे पहले हम इसके तीन पार्ट हैं जो कवर कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर किसी ने ये तीनों पार्ट नहीं देखे तो उसका जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और वैसे भी मैं ये तीनों पार्ट है जो रिवाइज कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने INC के बारे में पढ़ा था। INC कब बनी थी, तो ये बनी थी 1885 के अंदर। उस टाइम लॉर्ड कौन थे, तो लॉर्ड थे लॉर्ड डफरिन। और इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर थे A.O. Hume। इससे पहले 1885 से पहले 1883 के अंदर ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस NC 1883 में। फिर 1884 में ये बन गई INU, इंडियन नेशनल यूनियन। और 1885 में ये बन गई INC। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी। फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले इसके फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इसकी कौन थी, तो वो थी एनी बसंत। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी। उसके बाद हमने पढ़ा वॉइसरॉय के बारे में कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हमने पढ़ा लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद हमने पढ़ा था कि लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हमने पढ़ा फर्स्ट एंड लास्ट जो गवर्नर जनरल थे ऑफ फ्री इंडिया, वो कौन थे, तो वो थे श्री राजगोपालाचार्य। उसके बाद हमने ट्रिक पढ़ी थी वॉइसरॉय की। 1899 से लेके 1947 तक के जितने भी वॉइसरॉय बने हैं उनको हमने ट्रिक से याद किया था। ट्रिक हमारी क्या थी, सी माय हिस्ट्री क्रू लिव्स इन वेस्टर्न मूवमेंट। उसके ऊपर जो नंबर याद करना था वो क्या था, नंबर था 565-740। तो इस ट्रिक से हमें जितने भी वॉइसरॉय थे वो याद हो गए थे। सी से कौन था, सी से कर्जन, एम से लॉर्ड मिंटो, एच से लॉर्ड हार्डिंगे, क्रू में से सी से लॉर्ड था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आर से रीडिंगे, आई से लॉर्ड इरविन और डब्ल्यू से विलिंगटन। इसके बाद एल से थे लिलिंथगो, उसके बाद डब्ल्यू से वेवल और लास्ट में मूवमेंट से माउंट बेटन। हमने क्या किया था, ये कोड है जो ऐड करते गए से 1899 के अंदर। 1899 में पहले 6 ऐड किया तो पता चला कि 1899 से 1905 तक जो कार्यकाल था वो था लॉर्ड कर्जन का। इस तरह से हमें ये ऐड करते गए थे। मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ, इसको अच्छे से देखना है तो आपको पार्ट फर्स्ट है जो देखना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट हमने पार्ट सेकंड में क्या किया था, तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि दादा भाई नौरोजी ने तीन सेशन जो है हेड किए थे INC के तीन सेशन हेड किए थे दादा भाई नौरोजी ने, तो वो कब किए थे, तो वो किए थे 1886 के अंदर, 1886 के अंदर, उसके बाद 1893 के अंदर, उसके बाद 1906 के अंदर। 1893 की दो इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई थी, फर्स्ट थी कि फर्स्ट कंट्री बनी थी जिन्होंने वोटिंग पावर दी थी वुमेन को, तो वो थी न्यूजीलैंड। सेकंड इसकी बात थी कि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी शिकागो के अंदर, शिकागो जो US के अंदर है, स्पीच दी थी और स्पीच स्टार्ट की थी ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर से। और इम्पोर्टेंट बात, 1893 के अंदर ही जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, आए कब थे, ये आए थे 1915 के अंदर।
आए थे तब 9 जनवरी 1915 को आए थे, और आए थे तब मनाया गया था एनआरआई डे, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी जब वापस इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट सेकंड में। हमने पढ़ा 1905 में इंपोर्टेंट बात थी बंगाल का विभाजन, जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905। किसके लॉर्ड के टाइम? तो ये लॉर्ड थे कर्जन के टाइम। अच्छा, 1905 में जो विभाजन हुआ था उस टाइम आईएनसी के जो हेड कौन थे? तो वो थे जीके गोखले। जीके गोखले आईएनसी के हेड थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीके गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे एमएन रानाडे। फिर से रिपीट करते हैं कि 1905 के टाइम आईएनसी किसने हेड की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके हेड थे जीके गोखले जी, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीके गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो वो है एमएन रानाडे। इसके अलावा हमने उसके बाद पढ़ा था 1906। तो 1906 में आईएनसी का सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में क्या हुआ था? सबसे पहले स्वराज की मांग की थी, सबसे पहले स्वराज की मांग। तो ये किन्होंने की थी? ये की थी दादा भाई नरोजी जी ने। दादा भाई नरोजी जी ने की थी सबसे पहले स्वराज की मांग। अच्छा, इस टाइम आईएनसी के हेड कौन थे? तो आईएनसी के हेड थे दादा भाई नरोजी, क्योंकि दादा भाई नरोजी ने 3 बार आईएनसी हेड की थी, 1886 के अंदर, 1893 के अंदर और 1906 के अंदर। तो 1906 में आईएनसी के हेड थे दादा भाई नरोजी। उसके बाद हमने पढ़ा था 1907, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस 1907 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था, ये हुआ था सूरत के अंदर। सूरत सेशन इसे बोला जाता है, 7 से सूरत आपको याद रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें जो आईएनसी थी वो डिवाइड हो गई थी 2 पार्ट के अंदर, नरम दल और गरम दल के अंदर। नरम दल के नेता कौन थे? दादा भाई नरोजी, जी के गोखले, एम एन रानाडे, महात्मा गांधी जी। और इस गरम में कौन थे? लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक जी, और पाल से विपिन चंद्र पाल। और इसके अलावा 4th थे औरोबिंदो घोष। तो ये इंपॉर्टेंट थे। सूरत सेशन में बंगाल का विभाजन हो गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि सूरत सेशन के टाइम आईएनसी के हेड कौन थे? तो आईएनसी के हेड थे रास बिहारी घोष। उसके बाद हमने पढ़ा 1908। तो 1908 में क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर बॉम्ब केस हुआ था। उसमें क्या था? वहां के मुजफ्फरनगर के जो जज थे उनका नाम था किंग्सफोर्ड। तो उनको मारने के लिए 2 पर्सन ने जो प्लान बनाया था, फर्स्ट थे खुद्दीराम बोस और सेकंड थे प्रफुल्ला चाकी। तो उन्होंने क्या है, उनके तांगे पे जो बम गिरने का इरादा बनाया था उसको मारने के लिए, पर वो गलती से किसी और तांगे पे जा गिरा, जिसमें 2 वुमेन और 1 बच्चा था, उनकी जो हत्या हो गई थी। उसके बाद क्या था, जो चाकी था उन्होंने तो सुसाइड कर ली, और सेकंड पर्सन थे जो उन्होंने उनको क्या हो गया, फांसी की सजा हो गई थी। उसके बाद हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा? पार्ट 3 में हमने 1909 से स्टार्ट किया था। 1909 में एक रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। उसका सेकंड नेम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1909 भी से कहा जाता था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि इस टाइम क्या है, मुसलमानों को अलग वोटिंग पावर मिल गई थी, उनको अलग आप अपना जो प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार मिल गया था। अच्छा फ्रेंड, एक स्किप हो गया था। 1906 के अंदर ही क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बनी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और ये हुई थी ढाका के अंदर, जो बांग्लादेश की राजधानी है, और इसकी जो करेंसी है वो है टका। अच्छा, किसने की थी? तो फाउंडर कौन थे? सलीम उल्ला और आगा खान। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक हुसैन जो मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो 1909 की बात करें थे, तो 1909 में जो एक रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले इसमें क्या था, सेक्रेटरी, और मिंटो थे जो वॉइस रॉय थे। इसमें क्या हुआ था, जो मुसलमानों को अलग वोटिंग पावर मिल गई थी। 1911 की बात करें तो 1911 में, तो 1911 के टाइम लॉर्ड थे हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे थे इनके टाइम में। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात करें तो 2 इम्पोर्टेंट बात थी। फर्स्ट तो जो हमारी कैपिटल है वो शिफ्ट करने की बात हुई थी कलकत्ता से दिल्ली 1911 के अंदर, और ये शिफ्ट हुई थी 1912 के अंदर। आपको याद करना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि 1912 में यहाँ पे टिक कराते हैं कि
बात तो 1911 में हुई थी और जो बनी थी शिफ्ट हो गई थी 1912 के अंदर। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द हो गया था 1911 के अंदर। बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था 1911 के अंदर। और 1911 में ही क्या हुआ था, जो कलकत्ता सेशन था उसके अंदर हमारा नेशनल एंथम है जो गाया गया था। और ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, ये किया गया था रविंद्रनाथ जी टैगोर के द्वारा। और इसको गाने का जो समय होता है वो होता है 52 सेकेंड, और शॉर्टेस्ट वर्जन की बात करें तो वो होता है 20 सेकेंड। इसके अलावा इन्होंने 1905 में बांग्लादेश का भी जो गान है वो कंपोज किया था, वो था अमार सोनार बंगलो, नाम था इसका अमार सोनार बंगलो, ये भी रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कंपोज किया था। अच्छा, जो फर्स्ट बार जो इंडिया में गाया गया था कलकत्ता सेशन में जनगणमन, तो ये बंगाली भाषा में गाया गया था। और जनगणमन जो अडोप्ट कब हुआ था, ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को हिंदी भाषा के अंदर। इसके बाद 1912 की बात करें तो 1912 में जो कैपिटल वो शिफ्ट हो गई थी, कहाँ पे, दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और 1912 में जो एक डेट है आपको याद रखनी है, 23 दिसंबर 1912 में क्या हुआ था, जो लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बम फेंकने की कोशिश की गई थी, उनके ऊपर बम फेंका गया था। और इसमें क्या है, वो बच गए थे, मृत्यु नहीं हुई थी, वो बच गए थे, उनके ऊपर बम फेंका गया था। उसके बाद हमने 1913 पढ़ा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक पार्टी भी नहीं थी, गदर पार्टी, गदर पार्टी। तो स्टार्ट करते हैं 1913 से, हेडिंग डाल लीजिए 1913, 1913 के अंदर पार्टी भी नहीं थी, गदर पार्टी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो शुरुआत की बात करें, ये काफी जगह बनी थी गदर पार्टी, तो शुरुआत की बात करें तो ये बनी थी अमेरिका के अंदर, अमेरिका के कहाँ पे बनी थी, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को के अंदर बनी थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। इसके अलावा भी इसके जो मेंबर थे, सोहन सिंह पकना, टी के दास और काशीराम। तो अब बात करते हैं, ये पार्टी कनाडा के अंदर भी बनी थी, यहाँ पे इंडिया बना लेता हूँ, तो कनाडा के अंदर काफी जो इंडियन रहते थे वहां पे जो मजदूरी करते थे, काफी सैनिक में भी भर्ती हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि एक क्यों ना एक पार्टी बनाई जाए जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं यहाँ पे जो कनाडा में बस चुके हैं, तो उनके साथ मिलके एक पार्टी बनाई जाए और हमारी आजादी में जो सहायता मिल सके और उसमें हम शामिल हो सके। तो उसके लिए एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था गदर पार्टी। उसके अलावा गदर नाम से यहाँ पे साप्ताहिक पत्रिका भी जारी की गई थी, जो सबसे पहले इंग्लिश में थी और उसके बाद जो बाकी लैंग्वेज में भी छपनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसी पार्टी से संबंधित एक घटना हुई थी 1914 के अंदर, जिसका नाम था कामाघाटा मारू की घटना। तो चलिए पढ़ते हैं कामाघाटा मारू की घटना क्या थी। तो कामाघाटा मारू की घटना ये हुई थी 1914 में, मार्च 1914 में। पीछे मैंने बताया कि इंडिया के लोग हैं जो बाकी कंट्रियों में भी रहते थे, जैसे हांगकांग, सिंगापुर और बाकी भी कंट्रियों में रहते थे। तो सिंगापुर के एक व्यापारी थे जिनका नाम था बाबा गुरदित सिंह, बाबा गुरदित सिंह। तो इन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे जितने भी भारतीय रहते हैं उनको हम कनाडा लेके जाएं, यहाँ पे कनाडा बना देता हूँ, तो कनाडा लेके जाएं और जो गदर पार्टी यहाँ पे बन रही है उसमें शामिल हो, शामिल होके हम भारत को आजादी दिलाने में सहायता कर सके, एक पूरी हम पार्टी बना के जाएंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि हाँ, यहाँ से सिंगापुर से जितने भी भारतीय हैं उनको लेके यहाँ तक ले जाया जाए। वैसे बात करें तो इस टाइम इस जो इंसिडेंट में लगभग पर्सन थे वो थे सिख, लगभग सिख इसमें शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया, बाबा गुरु सिंह ने
हांगकांग के यहाँ पे एक जर्मन शिप के जो व्यापारी थे उनसे जो यहाँ की शिप है वो किराए पे ली थी। व्यापारी का नाम था मी बुने। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये यहाँ के जर्मन शिप के एजेंट थे मी बुने। तो इनके माध्यम से जो शिप किराए पे ली थी, शिप का नाम था कामाघाटा मारू। ये एक जापानी शिप थी, यहाँ पे लिख देता हूँ जापानी शिप। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी शिप है जो किराए पे ली थी, तो ये एक जापानी शिप थी जो बाबा गुरदित सिंह जी ने किराए पे ली थी। ये क्या चाहते थे कि यहाँ पे सिंगापुर में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उनको कनाडा ले जाया जाए, और कनाडा के अंदर जो पार्टी बन रही है गदर पार्टी, उसमें शामिल होके हम भारत को स्वतंत्रता दिला सकें, उसमें शामिल हो सकें। तो यहाँ से इन्होंने 376 जो यात्री हैं वो इस शिप के अंदर सवार हो गए थे, और ये सिंगापुर से कनाडा जा रहे थे। कनाडा के कहां पे? वैंकूवर में। वैंकूवर ये जगह के नाम था कनाडा के अंदर। यहाँ पे इन्होंने आना था। यहाँ पे इस तरह से शिप बना देता हूं। तो इस शिप के अंदर 376 पर्सन है जो सवार हो गए थे, मोस्टली इसके अंदर सिख पर्सन थे। तो ये कनाडा जाने लगे। तो कनाडा जब पहुंचे तो क्या हुआ, यहाँ की कनाडा की सरकार थी, इन्होंने एक रूल बनाया हुआ था। इनका रूल क्या था ये पढ़िए ध्यान से, कि कोई भी पर्सन जो इंडिया से आ रहा है, यहाँ पे कनाडा बना रहा हूँ, ये कनाडा ये इंडिया है, कि कोई भी पर्सन अगर सीधा इंडिया से आ रहा है तो वो आ सकता है, कनाडा जा भी सकता है, कनाडा से जा भी सकता है और आ भी सकता है। पर कोई अदर कंट्री, यहाँ से देखिए ये अदर कंट्री बना रखी है जैसे, तो यह अदर कंट्री से अगर कोई कनाडा आ रहा है तो उनको नहीं आने दिया जाएगा। ये इनका रूल था। तो जब ये जहाज कनाडा पहुंचा तो यहाँ पे कनाडा की सरकार ने इनको उतरने से मना कर दिया। तो मना कर दिया तो यहाँ पे जहाज में जो यात्री थे 376 के करीब, तो इनमें से काफी सारे यात्री हैं जो भड़क उठे थे इस बात से। तो यहाँ पे भड़कने के कारण उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था शोर कमेटी। इंपॉर्टेंट है, शोर शोर कमेटी बनाई थी। अच्छा, इसके जो मेंबर पूछ लिए जाते हैं शोर कमेटी के मेंबर कौन थे, तो शोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, हुसैन, रहीम, बलवंत, इसके अलावा सोन लाल पाठक। सोहन लाल पाठक, तो इन्होंने जो यहाँ पे कनाडा की सरकार ने इन्हें उतरने नहीं दिया, तो इन्होंने एक शिप के अंदर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था शोर कमेटी। शोर कमेटी बनाई थी किसके खिलाफ? कनाडा की सरकार के खिलाफ। अच्छा, जहाँ यहाँ पे कनाडा के पास जब ये जहाज आया तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को भी पता चल गया था, ब्रिटिश सरकार को भी पता चल गया था कि यहाँ पे कनाडा एक जहाज पहुंचा है 376 यात्रियों को लेके। तो उन्होंने कनाडा के अंदर फोन किया और बोला कि इन सभी को आप भेज दो कलकत्ता के बजबज में, कलकत्ता भेज दो इनको, यहाँ पे भी मत उतरने दो। तो ये सुन के भी जो शिप के अंदर पर्सन थे वो ब्रिटिश सरकार के भी खिलाफ हो गए, इनके खिलाफ भी इन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी थी। तो इसमें भी दो पर्सन इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ये बगावत करनी स्टार्ट की थी। शिप के बाकी पर्सनों को भी बोला था कि हम ब्रिटिश सरकार के भी खिलाफ बगावत करनी स्टार्ट करेंगे। तो ये थे दो पर्सन, भगवान सिंह और सेकंड थे बक्कर तुला। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो शिप गई थी उसमें बगावत किन्होंने करनी स्टार्ट की थी, तो ये इन दो पर्सनों ने स्टार्ट की थी, भगवान सिंह और बक्कर तुला। तो ये जो जहाज बाबा गुरदित सिंह ने यहाँ से घुमा लिया था किसकी तरफ? कलकत्ता की तरफ। कहाँ पे आना था वैसे? कनाडा के वैंकूवर में आना था ये। तो यहाँ पे इन्होंने जहाज जो घुमा दिया था कलकत्ता की तरफ, ये जहाज स्टार्ट किया था इन्होंने 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1914 को
यहाँ कलकत्ता से, सॉरी कनाडा से कलकत्ता मोड़ लिया था जहाज को, और ये जहाज पहुंचा था 29 सितंबर 1914 को ये कलकत्ता पहुंच चुका था। कलकत्ता के कहाँ पे? कलकत्ता के बजबज में, कलकत्ता के बजबज में। बजबज क्या थी? एक बंदरगाह है काफी पुरानी। तो इस बंदरगाह पे जब पहुंचे तो यहाँ पे पुलिस वालों ने इनको उतरने नहीं दिया, यहाँ पे भी पुलिस वालों ने इनको उतरने नहीं दिया। और जनता वैसे भी भड़की थी शिप के अंदर, क्योंकि आगे भी उनको कनाडा भी नहीं उतरने दिया था, तो भड़की हुई थी। तो यहाँ पे कलकत्ता के बजबज में जब आए तो पुलिस वालों से इनका झगड़ा हो गया, काफी झगड़ा हुआ। उससे क्या हुआ, 18% की तो मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी, और 202% थे उनको जेल में कैद कर दिया गया था। फिर से रिपीट कर देते हैं कि सिंगापुर से कनाडा जहाज आ रहा था, बाबा गुरजीत सिंह लेके आ रहे थे 376% को। किस मोटिव से लेके आ रहे थे? कि यहाँ पे मिलके हम गदर पार्टी में शामिल होंगे और वापस भारत आके जो के है आजादी में शामिल होंगे और लड़ाई लड़ेंगे। पर क्या हुआ, यहाँ पे जब जहाज पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया था। यहाँ पे रूल बना हुआ था, रूल क्या था कि सीधा इंडिया से आएगा वही कनाडा आ सकता है या कनाडा से जा सकता है, बाकी कंट्रियों से कनाडा के अंदर हम एंटर नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे भी इनको उतरने नहीं दिया, और ब्रिटिश सरकार को भी पता चल गया था कि यहाँ पे कोई जहाज लेके आ रहा है। तो इन्होंने कनाडा में फोन करके बोल दिया कि आप इनको यहाँ पे उतरने मत देना, इनको कलकत्ता भेज दो आप। तो यहाँ पे यात्री भड़क गए थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी भड़क चुके थे और कनाडा के सरकार के खिलाफ भी भड़क चुके थे। तो एक कमेटी बनाई थी, शोर कमेटी, ये बनाई थी हुसैन रहीम बलवंत सोनलाल पाठक ने। इसके अलावा भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो बगावत स्टार्ट की थी भगवान सिंह और बक्कर तुला ने। तो यहाँ पे 23 जुलाई 1914 को जो बाबा गुरजीत सिंह ने जहाज मोड़ लिया था कलकत्ता की तरफ, तो ये 29 सितंबर 2014 को यहाँ पे कलकत्ता पहुंचा। पर पहुंचने पे क्या हुआ, और ये अच्छा पहुंचा था बजबज में, कलकत्ता के बजबज में जो एक बंदरगाह है यहाँ पे पहुंचा, तो पुलिस वालों ने भी इनको उतरने नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने लाठी चार्ज कर दी और गोलियां भी चलानी स्टार्ट कर दी। और वैसे भी जो शिप के अंदर थे उनके पास भी क्या थी, बंदूकें थी, तो उन्होंने भी गोलियां चलानी स्टार्ट की। इसमें क्या हुआ, 18% की डेथ हो गई और 202% है उनको जेल भेज दिया गया था। तो यहाँ से जो क्या है, हिंदुस्तानियों को पूरी आजादी की भूख आ चुकी थी कि हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बगावत है जो स्टार्ट हो गई थी पूरी तरह से आजादी के लिए। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1915 से स्टार्ट। और आज की वीडियो में आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि जीके गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका आंसर आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीके गोखले के, यहाँ पे लिख देता हूँ, जीके गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।